नमस्ते, बातें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋतु शर्मा। आज हम बात करेंगे ककड़ी की फसल के बारे में। ककड़ी का इस्तेमाल आमतौर पर सलाद में किया जाता है। ये फसल कम समय में तैयार हो जाती है और शहरों में इसकी अच्छी मांग है। हमारे किसान दोस्त ककड़ी की फसल से थोड़े समय में अच्छी आमदनी कर सकते हैं। शहरों के आसपास के किसान ककड़ी की फसल से अच्छा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ककड़ी की फसल से जुड़ी हर जानकारी के बारे में जानना जरूरी है। गर्मी के मौसम में इस फसल की अच्छी कीमत मिलती है। ऐसे में किसान को अपने आसपास के बाजार के बारे में लगातार जानकारी रखनी चाहिए। ककड़ी एक ऐसी कच्चा खाने वाली सब्जी है या फल है जो गर्मी शुरू होते ही हमारे को बाज़ार में देखने को मिलती है और खूब चलती है। बहुत लोग रास्ता चलते भी खा लेते हैं। ककड़ी एक ऐसे फल है जिसकी काफ़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और बहुत से किसान भाई नदी के किनारे ककड़ी की बुआई कर चुके हैं, तो उनको उसका प्रबंधन करना है। लेकिन जो प्लेन क्षेत्र हैं, जो मैदानी भाग हैं, वहाँ पे ककड़ी की बुआई अब होनी है, क्योंकि तापमान अब आने वाला है 15 फरवरी के आसपास। जैसे ही रात का तापमान 10 डिग्री से ऊपर चला जाए तो समझो ककड़ी की बुआई का सही समय आ गया है। ककड़ी के बीज की प्रजातियाँ अलग अलग संस्थानों द्वारा निकाली गई है। अभी तक कृषि संस्थानों ने ककड़ी के बीज पर अधिक काम नहीं किया है। ऐसे में बीज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ककड़ी की जो बुआई करनी है उसमें भी जो ककड़ी की अधिकतर जो किस्में हैं वो मोस्टली विभिन्न क्षेत्रों से हैं, कोई संस्थानों ने नहीं निकाली हैं। जैसे जौनपुरी है, दुर्गापुरी है, पंजाब स्पेशल है, इस प्रकार से कई सारी ककड़ी की किस्में मिलती हैं। और ये देसी ककड़ी की किस्में हैं जो आप किसान भाइयों ने मेंटेन की हुई हैं। संस्थानों ने ज़्यादा अधिक काम नहीं किया ककड़ी के ऊपर, तो आप इनमें से कोई भी ककड़ी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन खास बात आती है बुआई का समय, सही खाद की मात्रा, लगाने का सही तरीका, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो ककड़ी के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। बीज के हर प्रजाति की अपनी खासियत है। ककड़ी की कई ऐसी किस्में मौजूद हैं जिनको हम पहले नर्सरी में तैयार कर लेते हैं और फिर सही समय पर पौधारोपण करते हैं। इससे किसान को पैदावार जल्द मिल जाती है और फसल अच्छी कीमत पर बिक जाती है। 3 तरह की प्रजातियां बाजार में मिलती हैं। एक का नाम है निर्मल, एक चंद्रा और एक है 708 नंबर की किस्म। ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, लेकिन ये प्रजातियों में से 708 ऐसी है जो बहुत जल्दी जनवरी के मौसम में जब काफ़ी ठंड होती है उस वक्त भी इसको हम अंकुरित करके इसकी पौध बना सकते हैं, ताकि जल्दी इसका रोपण करके जैसे ही मौसम अच्छा होता है उसको रोप के हम बाज़ार में ककड़ी जल्दी ला सकते हैं। मार्च के पहले हफ्ते में ही ककड़ी बाज़ार में आ जाती है 708 की। और बाकी किस्में ऐसी हैं जो उतने ठंड में, हालांकि हम कोशिश करते हैं कि उसको पॉलीथीन से टनल बनाकर उसके अंदर अंकुरण करें, लेकिन फिर भी 708 जितनी सक्षम नहीं है निर्मल और चंद्रा, उनको थोड़ा देर से बोना पड़ता है। उनकी जो ककड़ी बाज़ार में आती है थोड़ा देर से आती है, 708 ज़रा जल्दी पकने वाली किस्म है। लेकिन बाज़ार में आम तौर पर जो बीज मिलता है वो देसी के नाम से ही मिलता है और उसका काफ़ी प्रचलन भी है, क्योंकि बीज की इस सब्ज़ी में काफ़ी कमी है। गर्मी की फसल होने के कारण ककड़ी के खेत में नमी का होना बेहद जरूरी है, इसलिए बुआई से पहले खेत की तैयारी ठीक ढंग से करें जिससे बीज का अंकुरण अच्छे से हो। एक तो जब हम गर्मी की फसल की बात करते हैं तो एक ऐसा समय है जिसमें बुआई के समय खेत में नमी का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। और सही मात्रा का मतलब ये है कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, उसी समय बुआई करनी चाहिए। और पर्याप्त नमी का अर्थात ये है कि अगर पहले खेत तैयार कर लें, उसका पलेवा करके एक दो जुताई करके आप बुआई कर सकते हैं। बुआई के लिए
अगर आप मेड में बुआई करेंगे तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि पानी आपको नाली में देना पड़ेगा, इससे पानी की भी बचत होगी और साथ साथ में जो हमारी ककड़ी उसकी पैदावार भी ज्यादा आएगी। ककड़ी की फसल को समय समय पर लगातार पानी की जरूरत होती है, तो ऐसे में पानी का प्रबंधन ककड़ी की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ककड़ी को पानी समय समय पे चाहिए, ज्यादा पानी नहीं लेकिन पानी समय समय पे चाहिए, तो उसके लिए बुआई का जो सही तरीका वो मेड पे होना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1 मीटर रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 1 फुट यानी कि 30 सेंटीमीटर रखें तो इससे ज़्यादा अच्छी पैदावार मिलती है। बुआई करते समय खाद की मात्रा मैंने बताया है कि देसी खाद डालते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर जो मिट्टी की जांच करवाई है उसी के आधार पर आप रासायनिक खाद दे सकते हैं। ककड़ी की फसल के लिए देसी खाद जरूरी है। किसान दोस्त पहले मिट्टी की जांच करा लें, जिससे तय मानक के अनुसार आप खाद और उर्वरक की मात्रा तय कर सकते हैं। इससे उर्वरक कम लगेगा और आपके पैसों की बचत होगी, साथ ही पैदावार भी अच्छी होगी। जिन किसान भाई जो मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते हैं तो ककड़ी के खेत के लिए लगभग 30 किलो नाइट्रोजन, लगभग 40 से 45 किलो फास्फोरस और इतनी ही पोटास, इसको मिला के बुआई के समय लाइन में जहां बुआई कर रहे हैं वहां 20 से लगभग 1 से 2 इंच दूर उसको डाल दें, और अगर ऐसा करते तो आपको अच्छी पैदावार मिलती है। उसके बाद में हर जब आपकी फसल लगभग 1 महीने की हो जाए तो उसमें 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और दे सकते हैं, और दोबारा अगर जरूरत पड़ेगी नहीं तो इससे आपको ककड़ी की अच्छी पैदावार मिल जाएगी। ककड़ी की खेती से जुड़ी और कई जानकारियां बताएंगे ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम आपको ककड़ी से होने वाले फायदे के बारे में बताते चलते हैं। गर्मियों में ककड़ी का सेवन करने से पेट संबंधी रोगों से छुटकारा मिलता है और साथ ही पाचन शक्ति भी बढ़ती है। इससे कब्ज, एसिडिटी, सीने में जलन की समस्याएं भी ठीक होती हैं। ककड़ी की बुआई तभी शुरू करें जब रात का तापमान 10 डिग्री से ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये सब्जी एक तरह का फल है, इसके लिए बोरॉन, जिंक और मैंगनीज ये तत्व जो सूक्ष्म तत्व हैं ये भी पर्याप्त मात्रा में पौधे को मिलने चाहिए। ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सब जहर होते हैं और ये मधुमक्खियों को प्रभावित कर सकते हैं, और अगर मधुमक्खी आपके खेत में नहीं आएंगी तो आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बातें खेती की में। हम बात कर रहे थे ककड़ी की फसल के बारे में। जरूरत के हिसाब से आप रासायनिक खाद दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ककड़ी की फसल में देसी खाद देते हैं तो ये आपकी फसल के लिए कई तरह से अधिक लाभदायक है। ककड़ी एक ऐसी फसल है जिसका चलन अभी किसी चीज पर चढ़ाकर बांस के ऊपर या किसी सहारा देकर चढ़ाने से नहीं होता, इसको भी खेत में फैलाकर ही पैदा किया जाता है। लेकिन सबसे आवश्यक है कि खाद की मात्रा, पोषण की मात्रा अच्छी हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा पोषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी कुल पैदावार 20 टन से अधिक नहीं होती है, 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसमें आता है, और उसके लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम पोटाश ये आवश्यक है, 20 किलोग्राम फॉस्फोरस बैलेंस करने के लिए, संतुलित रखने के लिए दिया जाता है। लेकिन जैसा सब सब्जियों के साथ आवश्यक है, खेत में देसी खाद डालना बहुत ज़रूरी है और उसकी मात्रा होनी चाहिए 10 टन प्रति हेक्टेयर, क्योंकि ये सब्जी एक तरह का फल है, इसके लिए बोरॉन, जिंक और मैंगनीज ये तत्व जो सूक्ष्म तत्व हैं ये भी पर्याप्त मात्रा में पौधे को मिलने चाहिए, और 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक, बोरॉन और मैंगनीज को खाद देते समय उसके साथ मिलाकर देना चाहिए। ककड़ी की बुआई तभी शुरू करें जब रात का तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा हो जाए। दूसरी बात, जब भी हम किसी सब्जी की बात करते हैं तो सब्जियों से अच्छी पैदावार लेने के लिए देसी खाद का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सब्जी की फसलों के लिए देसी खाद से 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारे पौधों को पोषक तत्व मिल जाते हैं, दूसरा जो वातावरण है खेत का वो सब्जी के अनुकूल हो जाता है, जिससे उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है खेत की, खरपतवार कम होते हैं, और साथ साथ में जीवांश तत्वों की मात्रा बढ़ने के कारण जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है, और जितना जड़ों का विकास होता है उतनी हमारी सब्जियां ज्यादा फल दे पाती हैं। जहां तक संभव हो रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल ना करें। अगर फसल में कीड़े का प्रकोप हो जाए तो ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों की सलाह लें और संतुलित मात्रा में रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल दिए गए निर्देशों के अनुसार ही करें।
ककड़ी के खेत में भी एक लालड़ी यानी कि जिसको रेड पंपकिन बिटल कहते हैं, यह कीड़ा काफ़ी नुकसान करता है और खासकर शुरुआती अवस्थाओं में जब आपके नए नए जो पत्ते आते हैं उनको ज़्यादा खाते हैं। तो उनके लिए मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, या तो आप राख डाल सकते हैं, अगर आप राख नहीं डाल पाते हैं तो एक सेवन दवाई आती है बाज़ार में उपलब्ध है, तो सेवन दवाई का प्रयोग करके भी इस कीड़े का शुरू में प्रबंध अगर करते हैं तो आपको फसल बहुत अच्छी आएगी। कीट से बचाव के लिए बीज उपचारित कर ही बुआई करें, इससे शुरू में लगने वाले रोगों और कुछ हद तक कीड़ों से बचाव हो जाता है। ककड़ी एक ऐसी सब्जी है जिसमें ज्यादा प्रकोप नहीं होता है बीमारियों का या कीट का, लेकिन एहतियात के तौर पर सुविधा के लिए और सावधानी के लिए बीज का उपचार कैप्टन या थिरम से 0.2%, यानी 1 किलोग्राम बीज में 2 ग्राम कैप्टन या थिरम डालकर उसको उपचारित कर लें। उससे क्या होगा कि अंकुरण के समय कोई बीमारी नहीं लग पाएगी, और कीट में इसके जो फल हैं सिर्फ उसको नुकसान करने के लिए कीट लगता है। एक लाल वो होती है भ्रूण होती है जो इसके पत्ते भी खाती है, तो अगर पत्ते ज़्यादा खाए जाएं, थोड़े पत्ते खाने से कोई बहुत नुकसान नहीं होता, अगर पत्ते ज़्यादा खाने लगे तो एसीफेट नाम की दवाई का स्प्रे करना चाहिए 0.2%, यानी 1 लीटर में 2 ग्राम या 2 ml डाल के 250 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको स्प्रे कर देना चाहिए, तो उससे ये कीट प्रबंधन में उतना काफ़ी है। और ये थोड़े समय की फसल है, ज़्यादा दिन की नहीं है, 90 दिन से ज़्यादा फसल चलती नहीं है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कीट प्रबंधन करने की आवश्यकता पड़ती है। ककड़ी की अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी है कि परागण हो, इसके लिए खेत के आसपास मधुमक्खी के बॉक्स रखें, इससे परागण की क्रिया से पैदावार तो अच्छी होगी ही और साथ ही शहद भी मिलेगा। ककड़ी की फसल बेल वाली फसल है, यहाँ पे नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं, और नर और मादा फूल में जब तक परागण की क्रिया नहीं होगी तो फल नहीं बनेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना जैसे फूल आने शुरू हो जाएं उसके बाद में दवाई का प्रयोग कम से कम करना है। ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये सब जहर होते हैं और ये मधुमक्खियों को प्रभावित कर सकते हैं, और अगर मधुमक्खी आपके खेत में नहीं आएंगी तो आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई दवाई डालनी भी पड़े तो विशेषज्ञ की राय पर ही डालें, अदरवाइज ना उसका अगर प्रयोग ना करें तो अच्छी बात है, तो आप ककड़ी के खेत से काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पंथ दो काज, ककड़ी की अच्छी पैदावार भी और शहद भी। दोस्तों अगर खेती थोड़ी सी सूझबूझ के साथ की जाए तो हर तरफ से लाभकारी है। वक्त चला है एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद कीटनाशक से जुड़ी जानकारी हम आपको बताएंगे। यदि हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो भारी भूमि में भी इसको उगाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कोशिश ये करनी चाहिए कि इसे हल्की दोमट बलुई जमीन में उगाया जाए। अगर आपने समय पे तुड़ाई नहीं की तो एक दिन में ही वो बहुत बड़ी हो जाती है और बाजार में उपभोक्ता उसको पसंद नहीं करता है। जैसे जापान है, ताइवान है, यूरोप है, उसके कंपैरिजन में हम तो 18 से 20 गुना कम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फिर भी हमारे फूड में पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है बातें खेती की में। अगर आप ककड़ी की अच्छी फसल चाहते हैं तो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज ना करें। खेत की चुनाव, सिंचाई, खाद व उर्वरक से जुड़ी कई ऐसी जानकारियां हैं जो अच्छी पैदावार के लिए जरूरी है, बस थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। ककड़ी एक और खरबूज और तरबूज की तरह ऐसी सब्जी है जो आमतौर पर नदी किनारे या नहरों के पास उगाई जाती है, जहाँ पर मिट्टी हल्की होती है, दोमट होती है, बलुई होती है, और वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसको पानी तो चाहिए लेकिन ऐसा ना हो कि उस अधिक पानी से भूमि में ऑक्सीजन की कमी रह जाए, तो इसलिए ये आमतौर पर नदी किनारे उगाई जाती है। और यदि हम इसको खेत में उगा रहे हैं ऐसी जगह जहाँ पर भूमि भारी है तो ये अच्छी पैदावार लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जल प्रबंधन की दिक्कत आएगी। यदि हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो भारी भूमि में भी इसको उगाया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर कोशिश ये करनी चाहिए कि इसे हल्की दोमट बलुई ज़मीन में उगाया जाए,
और इसका पानी का प्रबंध ऐसा रख जाए कि पानी बेशक कम लगाएं लेकिन अधिक बार लगाएं, दो पानी लगाने के बीच में जो अंतराल है वो कम रखें। जितना महत्वपूर्ण पैदावार है उतना ही जरूरी है कि आप तुड़ाई पर ध्यान दें। अगर ककड़ी अपने आकार से अधिक बड़ी हो जाएगी तो बाजार में इसका दाम अच्छा ना मिलने के साथ ही ये फसल के लिए भी नुकसानदायक है। तो सही समय पर ककड़ी की तुड़ाई करें और अच्छा लाभ कमाएं। अगर आपने समय पे तुड़ाई नहीं की तो एक दिन में ही वो बहुत बड़ी हो जाती है और बाजार में उपभोक्ता उसको पसंद नहीं करता है। तो ककड़ी की तुड़ाई में भी इस बात का ध्यान रखना है कि समय समय तुड़ाई करते रहें, उसको ज़्यादा बड़ी ना होने दें और सही जब साइज़ की हो, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर की हो जाए तो उसमें तुड़ाई करके बाजार में लेके जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा मिलेगा। आमतौर पर कीटनाशक दवाओं को लेकर कई भ्रम है और हर कोई अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करता है। हमने भी कीटनाशक दवाओं से जुड़ी इन बातों का जिक्र करनाल स्थित NDRI के डायरेक्टर AK श्रीवास्तव से की तो उन्होंने कीटनाशक दवाओं से जुड़े हर पहलू के बारे में अपना मत रखा और किसानों को तय मानक के अनुसार ही कीटनाशकों का प्रयोग करने की सलाह दी। जब पौधे में बीमारी लग गई है फिर तो पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ बिल्कुल रोकना है, फिर हमें शुरू से काफ़ी कुछ ध्यान रख करके तभी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स पे हम लोग जा सकते हैं। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि हम पेस्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ करें। हमारा कहने का मतलब यही है कि हमें अपनी ज़रूरत है कि हम अपने किसानों को एजुकेट करें कि किस तरीके से पेस्टिसाइड यूज़ करें, जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड हम अपने किसानों को, अपने फार्मर्स को हम एजुकेट करें। हिंदुस्तान में हालांकि जो कीटनाशक दवाइयां हैं उनके रेजिड्यू की प्रॉब्लम हमारे सारे बहुत सारे फूड में होती हैं जो आप लोग भी देखते होंगे हमेशा। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग पेस्टिसाइड तो जो विकसित देश हैं जैसे जापान है, ताइवान है, यूरोप है, उसके कंपैरिजन में हम तो 18 से 20 गुना कम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फिर भी हमारे फूड में पेस्टिसाइड्स के रेजिड्यू हैं। इसका मतलब कि हमारे किसानों को ये एजुकेट करने की ज़रूरत है कि कौन सा पेस्टिसाइड यूज़ करें, किस समय यूज़ करें, यूज़ करने के बाद कितना विड्रॉल पीरियड हो कि इतने देर के बाद ही हम काटेंगे फसल को। ये चीज़ें हैं जो किसानों को नहीं मालूम है, इससे एजुकेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये बात हम कहना चाहेंगे कि पेस्टिसाइड्स यूज़ करना अगर है तो उतने ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत है। कभी कभी किसान क्या करते हैं कि सोचते हैं कि ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना नहीं होता है। जो रिकमेंडेड डोज है, जो रिकमेंडेड कंसंट्रेशन है वही यूज़ करें। हर एक बीमारी का एक पेस्टिसाइड ही नहीं होता, माने अलग अलग पेस्टिसाइड्स अलग अलग बीमारी से बचने के लिए स्प्रे करते हैं और उनको रोकने के लिए करते हैं। तो बिना किसी अपने विशेषज्ञ की सलाह से कोई पेस्टिसाइड यूज न करें, जितना रिकमेंड किया गया है उतने ही यूज करें। बातें खेती के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर आपको एक और नई फसल से जुड़ी उपयोगी जानकारी देंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर इस कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई सवाल या सुझाव है तो TV स्क्रीन पर दिए पते पर आप हमें लिख भेजिए। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0120-498-0000 और 498-0011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। फिलहाल मैं ऋतु आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।